अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ साइंस का 25 वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके इंडियन नेवी की एग्जाम होने वाली है। तो आप सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लो, पक्का इसमें से कन्फर्म्स आने वाली है। तो आप जरूर देखो इस वीडियो को अंत तक। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक कौन सा है? तो वोल्ट मीटर भी होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मात्रक वोल्ट पर मीटर आज का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ITL। एक ऑटो बराबर कितना होता है? तो 10^-18। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10^7 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। एक कण विरामावस्था से समरूप त्वरण के साथ गतिशील 30 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन मीटर में कितना होता है? तो देखिए फिर से आ गया, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि आपके वेग पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए कि अगर वेग कैसे ज्ञात करते हैं, जब कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो डिफरेंशिएशन करके और जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना रख देंगे। तो इसका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं F.R एक कौन सी राशि है? F और R। तो F और R एक अदिश राशि है। F.R एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समान एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है यानी कि अगर A.A या फिर A×A तो A.A हमेशा जो जीरो होता है का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा जीरो होता है। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो राइट आंसर संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोई पिंड समरूप त्वरण से गतिशील है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल एक असंरक्षित बल है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है एक पिंड का जड़त्व अघूर्ण दिया हुआ है अक्ष के परितः m2 तब इसकी घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष के परितः कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी r/√2। एक इसका टेबल आता है कि किसी के अक्ष पे है किसी के किनारे पे है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा और उसका रेडियस कितना होता है। नेक्स्ट है दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं असंजक बल। निम्न है निम्न में से कौन सा अयांत्रिक तरंगे नहीं है? तो भूकंप अयांत्रिक तरंगे में उपस्थित नहीं होता है तो राइट आंसर भूकंप तरंगे होगा। नेक्स्ट एक फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति 5×10^16 हर्ज है तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य कितना होगा यानी कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है जबकि हमको रेडियो तरंग का चाल दिया है 300,000 यानी कि प्रकाश का चाल ही है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा 6×10^-9 मीटर। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहलाता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पे ही ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आया है इसलिए राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशन AC के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ये तीनों AC एयर कंडीशनर यानी कि वातानुकूलन के लिए तीनों ताप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 23 से 25 डिग्री। आर्द्रता 60% से 65% होना चाहिए। वायु की गति 0.0125 से 0.0416 मीटर पर सेकंड से होना चाहिए। तो AC के लिए तीन कंडीशन सही है तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25×10^8 मीटर पर सेकंड। और ऐसे याद रखिएगा हवा में तो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड या 3×10^8 मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक क्या होता है? μ = तो CV/CM। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो CV/CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल प्लस हरा को अगर मिलाएंगे लाल को अगर हरा के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा येलो कलर मिलता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत कैसी होती है? तो 220 वोल्ट की AC धारा होती है। घर में जो धारा पहुंचती है 220 वोल्ट की और AC करंट होती है अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फ्यूज तार मोटा होगा? तो 15 एम्पियर के परिपथ वाला तार मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड बल्ब का निर्माण किया किसने? तो डायोड बल्ब का निर्माण फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो भी अक्रिय गैस है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन रेडॉन उसमें से रेडॉन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया?
लास्ट क्वेश्चन है विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो हॉफकिंस, हॉफकिंस याद रखिए विटामिन का आविष्कार करने वाले थे। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन।